शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है मन और आत्मा। मन, कल तो मैं बाघ मिल्खा बाघ फिल्म देखकर आया। उस फिल्म में किरदार ने मेरे अंदर बहुत ही अधिक ऊर्जा भर दी है और अब मुझ में इतना साहस आ चुका है कि मैं कुछ भी करते हुए दिखा सकता हूँ। मन घर आया और फिल्म की ऊर्जा के विश्वास पर अपने संकल्प को पूरा करने लग गया, परंतु दो दिन बाद ही उसकी ऊर्जा ध्वस्त हो गई। उस समय उसने सोचा कि मुझे किसी और का मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए। उसने YouTube पर वीडियो देखे और फिर से उसने स्वयं के समस्त संकल्प को मजबूत कर दिया और फिर से तैयारी शुरू कर दी, लेकिन वो फिर से हार गया। परंतु इस बार मन स्वयं की आत्मा से पूछने लगा, आखिर मैं गलती क्या कर रहा हूँ? आत्मा का जवाब, आप बाघ मिल्ख बाघ फिल्म देखकर आकर्षित तो हुए, किंतु अपने आकर्षण का कारण उस फिल्म के किरदार का अभिनय था। आपने बहुत ही कम समय में आपने आदर्श को चुने लिए, इसलिए वो विचार आपकी जीवात्मा तक नहीं पहुंच सके। मन है महान आत्मा, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे विचार आकर्षण के स्थान पर विवेक को महत्व दे। आत्मा, मेरे मित्र, हमेशा उन्हीं को सुनो, उन्हीं को अपनी अभिप्रेरणा बनाओ। जिसके पास विचारों की सिद्धि हो, जो पूजनीय है, जिसका व्यक्तित्व अलौकिक है, ऐसे लोग बहुत में बहुत कम है। वैसे कि रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास, परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महर्षि रमण आदि। निसंदेह दुनिया में बहुत सारे विचारक है, हो सकता है वो श्रेष्ठ वक्ता भी हो, लेकिन वे लोग पूजनीय हो यह जरूरी नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।